नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम अहम पूजा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नवमा दीक्षांत समारोह आयोजित भा। कार्यक्रम में ही कुलाधिपति मंगू भाई पटेल पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत भा और उनकी उपस्थिति में ही समारोह संपन्न करावागा। यह समारोह माननीय राज्यपाल के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ माँ औ बहुत जने शामिल भे। समारोह के बाद माननीय राज्यपाल सैनिक स्कूल रीवा के भ्रमण करें, जहां वीर सैनिकन का श्रद्धांजलि अर्पित करें, जहां से 4:30 बजे सर्किट हाउस में जाए के विश्राम करी, देखी महामहिम के सैनिक स्कूल भ्रमण के कुछ झांकी और सुनी उद्बोधन में का कुछ कहें। विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, पालकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने आज दीक्षा ली है, अपने प्रतिज्ञा में जो जो बात स्वीकार किया हुआ है और यहाँ से बोला कि तो ही आपका मंगल जीवन रहेगा। यहाँ मुख्य वक्ता कानितकर जी ने बताया कि अपना जीवन ऐसे, तो मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपको सार्थक बनाए। वो भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा अभी जो पाश्चात्य तरीका था, उसके बजाय भारतीय परिवेश पहन करके भारतीय भाषा में संकल्प कराते हुए राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहन देने का जो अभियान चलाया है, मेरी अपनी ओर से आज के अच्छे कार्यक्रम की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को बधाई। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है पिछले दिनों ETS यूनिवर्सिटी का, कर्मचारी संगठन ने जूतों की माला पहनाने की कोशिश की है यहाँ पर। कुल सचिव जी, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई नॉलेज में आएगी तो उसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। सर, प्रोफेसर की कमियों को कैसे दूर? जहाँ एक कई सरकार अच्छी शिक्षा खातिर रोज नवा नवा योजना लावत ही, वहाँ दूसर कई कुछ शासकीय स्कूल कुप्रबंध के शिकार हमा। एकर मिसाल मऊगंज के सरकारी स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरतपुरा देला हवे, जहाँ के भवन अब खंडहर में बदल चुका हवे। अब कक्षा खुले आसमान के नीचे चलल लाहिबे, काहे से एक जर्जर इमारत कबहू गिर सकत ही और कोनो बड़ी घटना हो सकत ही। प्राचार्य बताएं कि एकर शिकायत कई एक बेर कीन गए, प्रयास तक केव ध्यान नहीं दिहिन। एक साल बीत गया, प्रयास तक न तो मरम्मत के काम भा और न ही नया भवन के निर्माण कीन गा, जिसके कारण बच्चा जो खुले आसमान के नीचे पढ़ाई का मजबूर हमा। यही के ये ना बरस, मतलब बहुत ही पानी लेता है दीवाल, ये मतलब क्या है कि चूना से बनी हुई है, इसमें पिलर उलर तो है नहीं और पानी लेता है दीवार है और चूत टपकता है, मतलब ये लगता है कि बच्चे को कहीं गिर न जाए। मऊगंज माही लगातार भारी वाहन के रोकथाम खातिर मांग होत रही है, पर नो एंट्री लागू हो के पहले प्रशासन के हीला हवाली माही एक बेगुनाह युवक के जान चली गए। अराजक माहौल का रोके मऊगंज SDM AP द्विवेदी सोमवार का नो एंट्री लागू कराए के निर्देश दिन, पर नो एंट्री लगाए के पहले पुरान मऊ तालाब के पास त्रिपाठी बस जौन रीमा से मऊगंज आबत रही, सामने हाईवा आवे के कारण संतुलन खोए के पलट गए।
जोड़े के चपेट में ही एक मोटरसाइकिल सवार मोहित मिश्रा के मौके पर जान चली गई। यमेर के प्रशासन के लापरवाही के कारण एक बेगुनाह मारा गया। यही कारण गांव के लोगों में ही खासा गुस्सा रहा और घटना से खिसियान ग्रामीण बस माही आगे लगाए दी। घटना के पता लगता है मऊगंज SDM SDOP और TI मौके पर पहुंचे हैं। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।